हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जारो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चला रखा हूँ। मैं जो नेट जारो फर्स्ट पेपर है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के दोनों एक साथ चला रखा हूँ। जैसे प्रेजेंट टाइम मैं टीचिंग एप्टीट्यूड चला रखा हूँ, तो उसका जो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो एग्जाम बेस पर इम्पोर्टेंट है, वो मैं रेगुलर एक एक वीडियोज डाल के सोल्व करवाता हूँ। मैं रेगुलर टारगेट देता हूँ कि आप उन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, और वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अपनी ईमानदारी से बताना, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसमें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मेरा जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो ज़रूर देखना, क्योंकि यदि वो आपने देख लिया तो किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर सकते हो। और मैं जो ये यहाँ पर वीडियो सोल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डिक्टो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर आठ, इसके मैं चैप्टर सात पहले बना चुका हूँ। चैप्टर आठ जिसमें 43वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करो। मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कथन आता है कथन ए, हस्तकौशल से शिक्षार्थी में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। हस्तकौशल से शिक्षार्थी के आत्मविश्वास बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए है, हस्तकौशल से शिक्षार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन बी है, प्रतिरूपता से शिक्षार्थी के कौशल को प्रतिरूपता से शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन सी, स्पष्ट अभिव्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है कि स्पष्ट अभिव्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करती है, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपको सजेस्ट करना है, और आपको अपने अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है वो आपको नोट करना है। लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना कि आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो जो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों के तीनों बातें जो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44, स्तर ए कौन सुमेलित है। स्तर ए और स्तर बी, यहाँ पर स्तर ए और स्तर बी दो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित है।
कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, इसका आपको पता चलाना है। स्तर ए है ज्ञानात्मक रणनीतियां, ज्ञानात्मक रणनीतियां, ज्ञानात्मक रणनीतियां, स्मरण शक्ति, ऑप्शन बी है मनोदृष्टि, ऑप्शन बी मनोदृष्टि, आंतरिक मानसिक स्थिति, आंतरिक मानसिक स्थिति, जो मनोदृष्टि है वो आंतरिक मानसिक स्थिति। सी है मौखिक सूचना, सी है मौखिक सूचना, ज्ञान आयोजन करना, मौखिक सूचना ज्ञान आयोजन करना, संचालन तंत्र, संचालन तंत्र, तकनीकों का समावेश, तकनीकों, तकनीकी का समावेश। ये चार पॉइंट हैं, ज्ञानात्मक रणनीतियां, स्मरण शक्ति, मनोदृष्टि, आंतरिक मानसिक स्थिति, मौखिक सूचना, ज्ञान आयोजन करना, संचालन तंत्र, तकनीकी का समावेश करना। आपको इनमें ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। आंसर सजेस्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर चार, ये बिल्कुल सही है कि जो संचालन तंत्र होता है वो तकनीकी समावेश से संबंधित होता है। किससे होता है? तकनीकी समावेश से संबंधित होता है, कि संचालन तंत्र तकनीकी समावेश से संबंधित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैंतालीसवां क्वेश्चन है, शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है, शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है, शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए कार्य विश्लेषण से, कार्य विश्लेषण से, ऑप्शन बी शिक्षण उद्देश्यों की पहचान से, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान से, ऑप्शन सी अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से, अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप में लिखने से, ऑप्शन सी है अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से, ऑप्शन डी है कक्षा में छात्रों को उचित स्थान पर बैठाने से, कक्षा में छात्रों को उचित स्थान पर बैठाने से, इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है, कार्य विश्लेषण से, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान से, अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से, या फिर कक्षा में छात्रों को उचित स्थान पर बैठाने से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि शिक्षण नियोजन से जो ये डी ऑप्शन है वो संबंधित नहीं है, बाकी शिक्षण नियोजन से ये तीनों बात है जो बिल्कुल संबंधित है, कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान और अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने, ये तीनों के तीनों है जो शिक्षण नियोजन से संबंधित है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46, उपचारात्मक कार्य है। उपचारात्मक कार्य है क्वेश्चन नंबर 46 है कि उपचारात्मक कार्य है। सबसे पहला आता है शिक्षण कौशल नीति एवं युक्ति का चयन। शिक्षण नीति कौशल एवं युक्ति का चयन, ऑप्शन ए है शिक्षण नीति कौशल एवं युक्ति का चयन। ऑप्शन बी है पृष्ठ पोषण की प्रविधियों, पृष्ठ पोषण की प्रविधियों की व्यवस्था। ऑप्शन बी है पृष्ठ पोषण की प्रविधियों की व्यवस्था। ऑप्शन सी है निदान के अनुसार उपचार। ऑप्शन सी है निदान के अनुसार उपचार और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 46 है उपचारात्मक कार्य है शिक्षण नीति कौशल एवं युक्ति का चयन, पृष्ठ पोषण की प्रविधियों की व्यवस्था, निदान के अनुसार उपचार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर सजेस्ट करो। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि उपचारात्मक कार्य में शिक्षण नीति कौशल एवं युक्ति का चयन करना भी इंक्लूड होता है, पृष्ठ पोषण की प्रविधियों की व्यवस्था भी इंक्लूड रहती है और निदान के अनुसार उपचार यह भी इंक्लूड रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ऑप्शन ए निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए। ऑप्शन ए निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए। ऑप्शन बी नव साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए। ऑप्शन बी है नव साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए। ऑप्शन सी है विद्यालय में ड्रॉप आउट के लिए। विद्यालय में ड्रॉप आउट्स के लिए। विद्यालय में ड्रॉप आउट्स के लिए ऑप्शन सी है विद्यालय में ड्रॉप आउट्स के लिए और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर सजेस्ट करो कि अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, नव साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, विद्यालय में ड्रॉप आउट के लिए और ऑल ऑफ दीज। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। यदि आप मेरी क्लासेज ज्वाइन कर रखे हो, मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो, डिस्क्रिप्शन वाला और ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप यदि मेरे डिस्क्रिप्शन वाले हर वीडियो देख रहे हो आप, तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके लिए हार्ड है। आप हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपली तरीके से आंसर दे सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है 48वां क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में
शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण को निम्न में से किन तीन भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 48 है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण को निम्न में से किन तीन भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी है निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी है भावात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी है भावात्मक शिक्षण और ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक शिक्षण। ऑप्शन ए 1, 3, 4। ऑप्शन बी 1, 2, 3। ऑप्शन डी ऑप्शन सी 2, 3, 4। ऑप्शन डी 1, 2, 4। ये एक क्वेश्चन था। इनमें शिक्षण के तीन उद्देश्यों का आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। सजेस्ट करो आंसर को कि इसमें कौन सा सही आएगा। देखो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है 1, 3, 4 कि जो शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो ज्ञानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। इन तीनों पार्टों में डिवाइड किया गया है। शिक्षण को ज्ञानात्मक, निदानात्मक और मनोगत्यात्मक इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न कथनों पर विचार करो। कौन सा सही है सबसे पहला आता है शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य पाया जाता है। ऑप्शन ए है कि शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य पाया जाता है। ऑप्शन बी शिक्षण में बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन बी है शिक्षण में बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन सी है शिक्षण प्रेरक एवं प्रतिक्रिया के मध्य नवीन संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन तीन है कि शिक्षण प्रेरक एवं प्रतिक्रिया के मध्य नवीन संबंध स्थापित करता है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा सही है आपको पता चलाना है। तो दोस्तों इसमें ये चारों बिल्कुल सही है। आपने कुछ भी आंसर सजेस्ट कर लिया होगा मैच कर लेना। इसमें तीनों की तीनों बात है वो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 50वां।
चलो 49 तक छोड़ते हैं। इस वीडियो में मैं टोटल 7 क्वेश्चन सोल्व करवा दिया हूँ। कितने टोटल 7 क्वेश्चन। अब मैं देखता हूँ कि 7 में से किसने कितने क्वेश्चन सही किए, किसने कितने क्वेश्चन सही किए। यदि किसी ने 3 से कम क्वेश्चन सही किए, कितने से 3 से कम क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसको 100% मेरे वीडियोस देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि किसने 6 या 7 क्वेश्चन सही कर दिए, समझो उसकी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है, उसके नेट एग्जाम के लेवल की प्रिपरेशन है। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो इससे भी डिफिकल्ट आता है, क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। जब मैं मॉडल पेपर सोल्व करवाऊँगा तब मैं आपको उसी ही लेवल के क्वेश्चन दूंगा। लेकिन यदि आप प्रेजेंट टाइम में 3 से कम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो समझो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 0 लेवल की है। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। पिछले मैंने 20-22 टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो बना दिए हैं, उन सभी को देखो, आप 2-3 बार देखो, बिल्कुल आप 7 में से 7 क्वेश्चन सही कर सकते हो। मैं ये वीडियो, जो ये क्वेश्चन है, ये अपने वीडियो से नहीं बनाया हूँ, अच्छी अच्छी बुकों से, जो मॉडल पेपर्स हैं वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हूँ और उसके बाद मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन को दबाना। बाय।